यहाँ के बच्चे बहुत फ्रेंडली है। अब ये लोग मुझे अंग्रेज गोरा समझ रहे हैं। हेलो गाय को नया नया खरीदा है, आपके साथ नहीं जा रही। Where are you from? I'm from Pakistan and Peshawar. From Peshawar. Yeah, yeah. Go there maybe 3 weeks later. अच्छा जी अमीर साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर आप किस मकसद के लिए आए हैं? यह होटल मशरूम के व्यू पॉइंट पे ही है। अभी क्लाउडी है थोड़ा सा, तो फिर नहीं तो आपको साफ इधर से मशरूम भी नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मछलू में। मछलू खपलू से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और जनाबे वाला मछलू बहुत अहम है। मछलू अहम इसलिए है कि यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये आप देख सकते हैं, इस पुल को क्रॉस करने के बाद ये सीधा जाता है सियाचिन की तरफ, और दूसरा ये रास्ता है, ये सीधा जाता है पाकिस्तान के आखिरी गाँव होशे की तरफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सियाचिन के ऊपर बनाएंगे, लेकिन आज हम जा रहे हैं होशे की तरफ। होशे गांव भी बहुत खूबसूरत है। एक तो वहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है मशबरूम, तो वो भी आज हम देखने वाले हैं। और दूसरी खास बात इस गांव की ये है कि जब भी लोग वापस आते हैं केटू से, इसी गाँव से होके आते हैं, तो आज हम होशे की तरफ जाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। आवारागर्दी तो होती रहेगी लेकिन दुकान खोलना भी ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे शहद का पैदावार ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। इस बार शहद गाढ़ा भी है और इसका रंग और टेक्सचर भी लाजवाब है। शहद सर्दियों का तोहफा है, तो अगर आपने खुद का ना है या किसी को तोहफे में देना है तो ये मेरे स्टोर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर एक मैसेज कीजिए। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है। मेरे स्टोर के बारे में अगर आप कुछ मजीद जानना चाहते हैं तो पहले कमेंट में वीडियो का लिंक मौजूद है, उस वीडियो को जरूर देखिए। सुभान अल्लाह जी सखर अल्लाह हुज व कुन्ना लहु मुकरिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। हेलो बाय बाय। वो पाइप आप देख सकते हैं हमारे साथ ही जा रहे हैं ऊपर, शायद पानी का है, लेकिन पानी की तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ के बच्चे बहुत फ्रेंडली है, जैसे ही आप इनको क्रॉस करते हैं आपको हेलो हाई करते हैं। देख हेलो क्या हाल है, एक मिनट। अब ये लोग मुझे अंग्रेज गोरा समझ रहे हैं। हेलो क्या हाल है, ये स्कूल है? अच्छा तो आप पढ़ते नहीं है? ब्रेक हो गया या ओके बाय बाय। यहाँ की लड़कियाँ बहुत मेहनत करती हैं यार, बहुत मेहनत करती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से वज़न लेके आते हैं। कभी घास फूस लेके आते हैं, कभी सब्जी लेके आते हैं, कभी मिट्टी लाती हैं। ज़िला गंजे में आप जहाँ पर भी जाए आपको गांव राइट हैंड पर मिलेगा, लेफ्ट हैंड पर बहुत कम गांव होते हैं, बहुत ही कम, मतलब 99% गांव जो है वो राइट हैंड पर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? चल जी ठीक ठाक हो? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। गाय को नया नया खरीदा है, आपके साथ नहीं जा रही? नया खरीदा ना। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप तो माशाल्लाह मुझे ट्रैकर लग रहे हो। जी जी जी। चाचा ये कितने का खरीदा आपने ये गाय? ये कितने का होगा जी? यार अभी मुझे अंदाजा नहीं है, कम से कम 50,000 का तो होना चाहिए। कितने का लिया आपने? 50-65। इसको 65 कर लिया। तजुर्बा देख रहे हो, तजुर्बा। चलो अल्लाह आपको कामयाब करे यार, शुक्रिया शुक्रिया। और यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं केटू पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरे भाई ये केटू नहीं है, केटू बहुत दूर है। इस पहाड़ का एक ज़बरदस्त किस्म का नाम है, अभी वो भाई ने बताया मुझे, लिख कर बताया था शायद या डिफिकर बताया था, लेकिन मैं आगे किसी से पूछता हूँ। इस पहाड़ का अपना नाम है, ये जितने भी पहाड़ है ना गोरों ने इन सबको नाम दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो सर, हेलो हाउ आर यू? ऑल गुड। वेयर आर यू फ्रॉम?
I'm from Pakistan and Peshawar. Ah, from Peshawar. Yeah, you yeah. Go there maybe 3 weeks later. Okay, okay. Are you going to Usha? Yeah, yeah. Yes. Where are you from? I'm from Hungary. Hungary? Yes. Ah, very good, very good. Your first time to Usha? Yeah, yeah. I'm my first time. It's not much left, I guess. Like yeah, yeah. I think only 15 minutes or 20 minutes. Yeah, for you. For me. You are right. You are right. I hope there will be no rain because then I am in trouble. What can I do for you? No, nothing. It's okay. It's okay. I will okay. walk the rest of the way. Any help? You are my guest. Thank you. I will see you in the village. Okay, okay. Yes. Thank you. Take thank care. You. Do you know where do you stay? Or you have a camp or? I have camp. Uh-huh. But there is very good hotel. Something cheap? Do you know? Yeah, yeah. It's always cheap. Right, maximum 1,000. Yeah, yeah. You can find. Okay, so I will just look around. Okay. See you there. Okay, okay. Okay, thank you. I'm waiting for you. Bye bye. अच्छा भाई जान, हम पाकिस्तानी हमेशा ये सोचते हैं ना कि ये जो गोरे होते हैं इनके पास बहुत पैसा होता है, तो मेरे भाई ये जो पहाड़ों में घूमने वाले गोरे होते हैं ना, इनके पास कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल कंगले होते हैं मेरी तरह, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बंदा पैसे कमाता है ना, तो उसके पास टाइम नहीं होता ये आवारागर्दी करने के लिए, और आवारागर्द लोगों के पास हमेशा पैसों की कमी होती है। ये जितने भी गोरे हैं ना, ये हिचहाइकिंग करते हैं, लोगों से लिफ्ट ले लेके एक दूसरी जगह पर जाते हैं, और इनका बजट बहुत कम होता है, पैसों का बजट बहुत कम होता है। तभी ये मुझे बोल रहा था कि मुझे 1,000 रुपये तक होटल वहाँ पर मिल जाएगा। मैंने बोला आ जाओ यार वहाँ पर, अगर आपके पास पैसे नहीं है मैं आपको होटल का कमरा मैनेज करके देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रास्ता ये है या वो है, आपका क्या ख्याल है? चलो चीटिंग मत कीजिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, मुझे बताइए कि रास्ता ये होगा या ये होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि रास्ता ये है, ये नहीं है, ये नीचे दरिया की तरफ जाता है या इस गांव की तरफ जाता है, रास्ता ऊपर है। और अभी कुछ दोस्त कमेंट करेंगे कि आप गूगल मैप क्यों यूज़ नहीं करते, तो मेरे नन्हे मुन्ने भाई यहाँ पर गूगल मैप काम नहीं करता, ठीक है, ये जंगल है, ये एरिया गूगल मैप पर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सही रास्ता पकड़ा होगा और यही रास्ता होगा, उम्मीद करता हूँ। साइडों पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े कांटे हैं, और बहुत डर लगता है मुझे क्योंकि इससे टायर फौरन पंचर हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा पल है जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पल है, विटामिन सी का ख़जाना है ये। चलो 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 वाला, ये क्या हो रहा है यार, इतने सख्त उतराए, पहले गियर में भी बाइक नहीं रुकता। और गांव के तरफ आते हुए हम ये दूसरा पुल क्रॉस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है। ये होशे गांव यही है? मैं पहुंच गया हूं होशे। अच्छा, होटल किस तरफ है? आगे है। अच्छा, चलो शुक्रिया। Thank you.
इससे पहले कि मैं अपना सफर जारी रखूं, मैं आपको एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी लोगों का बोझ उठाया, जिसने लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा की और मरने के बाद भी अपना सब कुछ अपने लोगों के नाम किया। इस इंसान का नाम है मोहम्मद करीम, लेकिन अपने छोटे कद की वजह से दुनिया इसे लिटिल करीम के नाम से जानती है। कद छोटा था लेकिन कारनामे बड़े बड़े थे। पहले पॉटर था, बाद में इसने बड़े बड़े चोटियों को बगैर ऑक्सीजन के सर किया। हमारे इस हीरो की जिंदगी पर दो फिल्में बनी हैं, जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं। स्पेन के कुछ लोगों ने अपनी NGO के जरिए लिटिल करीम के लिए ये होटल बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा और मैं हुशे से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस रिफ्यूजी होटल हुशे का मैनेजर और कुक दोनों में कर लेता हूँ। और यह होटल हमारा एक स्पेन की टीम सलाबस्तर टीम ने एक बनाया था और उन्होंने बना के हमारे कम्युनिटी को दिया। तो फिर अभी इसमें से जो इनकम आते हैं हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे सर्व करते हैं। यह होटल मशरूम के व्यू पॉइंट पे ही है, अभी क्लाउडी है थोड़ा सा, तो फिर नहीं तो आपको साफ इधर से मशरूम भी नज़र आते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस जैसा इलाके में आए और हमारे गाँव को प्रमोट करने में आपने हमारी मदद की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात जो मैं इस होटल के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो मुर्तजा भाई ने आपको नहीं बताया कि ये होटल बहुत महंगा है। शुमाली इलाका जद के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इस होटल में पर नाइट आपको एक कमरा 10,000 का मिलेगा। मेरे ख्याल से यहां पर फॉरनर बहुत ज़्यादा आते हैं तो डॉलर में कमाते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं और यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो मैं पहले से आपको बताऊँ कि ये होटल काफ़ी महंगा है। मेरी बदकिस्मती है कि मैं लिटिल करीम से मुलाकात नहीं कर सका, वह इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसकी गांव होशे में खुश आमदीद कहता हूं। इस गांव से आगे कोई आबादी नहीं है। और यह गांव केटू की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि अस्कोले से लोग केटू की तरफ जाते हैं और वापसी इसी गांव में करते हैं। इस गांव में चंद घर है। घर क्या है? मिट्टी और पत्थर से बने हुई झोंपड़ियां हैं। बे इंतहा गुर्बत है, और गुर्बत क्यों ना हो, यहां के लोग सिर्फ 3 महीनों की कमाई से अपना पूरा साल चलाते हैं। इनके अपने घर तो जैसे भी है, लेकिन खुदा का घर बहुत शानदार किस्म का बनाया है। इस मस्जिद को मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाया गया है। बहुत बड़ा हाल है जिसके दरमियान 10 सुतून है। मस्जिद को 2 मंजिला बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर मर्द हजरात और पहली मंजिल खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। इस मस्जिद के अंदर मुझे कुछ लोग नजर आए, नए नक्श से वो यहाँ के नहीं लग रहे थे। आइए इनके कहानी भी जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। अच्छा जी, तो आप में से जितने भी साथी हैं प्लीज अपना अपना तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम अयाज अहमद है, मैं हैदराबाद से हूँ, लतीफाबाद 7 नंबर से। मेरा नाम गरीब नवाज है, मैं जो है ना खैरपुर मीरत से ताल्लुक रखने वाला हूँ। मेरा नाम इशफाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम सखर सिंध के रहने वाले। मेरा नाम फजल अमीन यूसुफ जई, सखर से ताल्लुक। एहसानुल्लाह, सखर सिंध। मेरा नाम सदाकत अली मुगल, सखर से हमारा ताल्लुक है सिंध। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, पंडाकल सखर से ताल्लुक है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप सबका ताल्लुक बरयानी के शहर से है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा जी, अमीर साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर आप किस मकसद के लिए आए हैं? बस जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हम आए हैं, हमारा इधर और ना कोई किसी से रिश्तेदारी है, ना किसी से लेना देना है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए आए हैं।
मकसूद हमारा ये है कि अल्लाह का दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए और पूरे आलम के सारे इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए माशाल्लाह, और हर हर मुसलमान कलमे पढ़ने वाला आमाल वाली ज़िंदगी पर आ जाए। और 7.5 अरब की आबादी है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें 5 अरब की आबादी जो बेचारे गैर मुस्लिम हैं, बग़ैर कलमे के हैं, और उन तक इस कलमे को पहुँचाना मेरी और हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को समझाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 महीने से अल्लाह के रस्ते में निकलें। ये इलाका तो हमारे बाप दादाओं में नहीं देखा था, बस ये अल्लाह की दीन की नस्बत की वजह से अल्लाह पाक हमें इतने खूबसूरत इलाके दिखाए, वरना यहाँ ठंड के अलावा और तो कुछ नहीं है। लोग बड़े प्यारे हैं, लोग अच्छे लोग हैं, इकराम वाले लोग हैं, बैठने वाले, बात को सुनने वाले, बात को लेने वाले। इंशाल्लाह यही सीधे सादे लोग लेकर इस कलमे को पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह जाएंगे, इसी उम्मीद पे हम यहाँ पर आए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपने मकसद में कामयाब अता फरमाए, और आप बहुत ही ज़बरदस्त और नेक किस्म का काम कर रहे हैं और मैं इसकी तहे दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। वैसे मैं करने वाला हूँ इंशाल्लाह, वो 1-2 महीनों बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी अपने नेक मकासद जो है उसमें मैं कामयाब हो जाऊँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन करें बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। अच्छा जी, तो ये तो वो कुछ था जो मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा और मैंने आप सबके सामने रख दिया। लेकिन अभी मैं आपको वो एक चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये कमेंट अक्सर मेरे वीडियोस पर आता है। मुझे लोग कहते हैं यह भाई प्लीज़ कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती पाकिस्तान में तो वो उसको वीडियो में हाईलाइट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको छुपाओ, उसको इग्नोर करो। ये वो लोग हैं जो ख़ुद सताई के शौकीन हैं, और ये मर्ज़ जो है ना हमारी पूरी कौम को लाहक है। आपने वो नगमों में भी सुना होगा कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। हम कितना ज़िंदा कौम है वो पूरी दुनिया को पता है। पिछले 75 साल से हम भीख पर गुजारा कर रहे हैं, कर्ज़ों पर गुजारा कर रहे हैं। तो आप कभी भी मुझसे ये उम्मीद ना रखिए कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता और उसे मैं इग्नोर करूँगा। अच्छा जी, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप देख सकते हैं कितना ग्रैंड और शानदार किस्म का मस्जिद इन्होंने बनाया है, लेकिन अगर मैं वाशरूम्स का बात करूँ तो बहुत ही थर्ड क्लास किस्म के वाशरूम है यहाँ की, और थर्ड क्लास भी कोई मसला नहीं है, देसी वाशरूम है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अजीब बात मुझे लगी वो ये है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, मैं अंदर ख़ुद भी नहीं जा सकता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लश लगे हुए हैं, देसी फ्लश हैं, और यहाँ पर लोग इकट्ठे बैठ कर मतलब अपना मसला हल करते हैं। आई डोंट नो कि कैसे करते हैं यार, यहाँ के लोग ये सब कैसे करते हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल हज़म नहीं होती कि यहाँ पर लोग आते हैं, इकट्ठे बैठते हैं और अपना मसला हल करके यहाँ से वापस जाते हैं। प्लीज़ अगर इस गांव का कोई बड़ा कौंसलर, नाजिम, कोई भी हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना मेरे भाई, तो आपने सब कुछ शानदार किस्म का बनाया है, लेकिन प्लीज़ ये जो वाशरूम है ना, ये एक इसको चेंज कीजिए। तो बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सच पसंद आया होगा, और यहाँ का कोई कौंसलर अगर देख रहा है तो आप मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे और इस चीज़ की जल्द से जल्द आप इस्लाह करेंगे। और मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब हुआ है, तूफ़ानी किस्म के बादल आए हैं और ये किसी भी टाइम बरस सकती हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक पुल दिखाया था, मैं इस तरफ आया और पुल के दूसरी तरफ जो है सियाचिन बॉर्डर है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो चंद दिन इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं सियाचिन में। अब सियाचिन में क्या क्या है वो आप नेक्स्ट स्टोरी में देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।